तो व्यूअर्स वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग आपको फेवरेट रैंप लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को नीचे बीच पे लेके जाना है। यहाँ पर तीन गाड़ियाँ यूएसए की तरफ से हैं, तीन फ्रॉम नेपाल, थ्री कार्स वी हैव फ्रॉम बांग्लादेश, थ्री फ्रॉम पाकिस्तान एंड थ्री फ्रॉम इंडिया। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया महिंद्रा थार हमने ले ली है और अब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। तो लास्ट ईयर दिस रैंप वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैंप इन माई व्यूअर्स परसेप्शन। लाइक लोगों ने इसको बहुत पसंद किया इस रैंप को। मुझे नहीं लगता इसमें क्या है, बट इसमें एक जो फीलिंग आती है जब गाड़ियाँ नीचे जाती हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उस टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं आइडिया था इस रैंप को डील करने का, बट राइट नाउ मैं अब कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी कि गाड़ियों को सही से लेकर जाऊँ नीचे। महिंद्रा थार को हम लोग हवाओं में उड़ाते लेकर जा रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पर हमारा एयर टाइम हमारी ड्राइव टाइम से भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत बार यहाँ पर हवा में उड़कर यहाँ पर नीचे पहुँचे। यहाँ पर महिंद्रा थार इंडिया की तरफ से पहुँच चुकी है, यहाँ पर इसको सही से खड़ा करते हैं और चलते हैं वापस। अभी बारी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की तरफ से हमने पाकिस्तान की सबसे जो फेमस गाड़ी है इस टाइम और पिछले 10-15-20 सालों से, वो है टोयोटा क्रोला, वो ले ली है। यहाँ से हमारी टोयोटा क्रोला आप देख सकते हो हवाओं के अंदर, यहाँ पर कितनी ज़्यादा हाइट है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस चैलेंज का जो पर्पस है वो यही है, गाड़ी को सही से नीचे लेकर जाना, और वो भी बहुत ही जल्द। देख रहे हैं टोयोटा क्रोला फ्रॉम पाकिस्तान। टोयोटा क्रोला सिंपल नहीं है भाई, टोयोटा क्रोला अल्टिस ग्रैंड यहाँ पर पहुँच चुकी है भाई बीच में सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम इसको खड़ा कर देते हैं। चलिए वापस चलते हैं। अभी बारी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तरफ से 4x4 टोयोटा फॉर्च्यूनर हमने ले ली है, और यहाँ से इसको जंप लगा और भाई देख सकते हो यार हाइट कितनी ज़्यादा, रोड इतना वाइड है लेकिन ऊपर से बिल्कुल छोटा सा लगता है, जैसे बिल्कुल छोटा। यहाँ पर तो हम लोगों ने टक्कर मार दी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ठीक कर लेता हूँ एंड दोबारा से यहाँ से फुल स्पीड दे देते हैं। ये रैम में भाई जो व्यूअर्स है ना यार, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ये हाइट फील होती है, बट यार देखो गाड़ी कितनी जल्दी नीचे पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ही इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो भाई, हमने जो स्लिप किया ना गाड़ी ने, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से फिर टक्कर हो गई, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच ही गए नीचे। बांग्लादेश की तरफ से भी टोयोटा फॉर्च्यूनर फाइनली पहुँच चुकी है अपने फिनिशिंग पॉइंट पर। यहाँ पर इसको खड़ा कर देते हैं एक लाइन में, यहाँ पर खड़ा किया और चलिए चलते अभी वापस। अभी ये बारी नेपाल की। नेपाल की तरफ से हुंडई i10 जो कि नेपाल की छोटी गाड़ियों में से आती है हैचबैक, वो हमने ले ली। और यहाँ पर भाई देखो हवाओं में हमारी गाड़ी है, फुल स्पीड में जा रहे हैं हम लोग। छोटी गाड़ी है तो इसका मतलब ये मत समझना आप लोग कि यार इसकी स्पीड कम होने वाली है। छोटे होने का एडवांटेज गाड़ियों को यही होता है कि उन गाड़ियों की जो कि छोटी होती हैं, स्पीड बड़ी गाड़ियों से भी ज़्यादा होती है, मतलब इनिशियल जो स्पीड है। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग भाई फ्रंट फ्लिप कर दिए हमने यहाँ पर Hyundai i10 नेपाल की तरफ से, और यहाँ पर हम लोगों ने फ्रंट फ्लिप, दूसरी फ्रंट फ्लिप का हम लोग एक और ट्राई कर रहे हैं। और भाई देखो थोड़ी सी यार पीछे से लग गई, बट हम लोगों ने सक्सेसफुली फ्रंट फ्लिप कर दिया। अब इसको इस साइड में खड़ा कर देंगे ताकि हम लोग बाकी नेपाल की गाड़ियों को भी यहाँ पर ला सकें, और यहाँ पर Hyundai i10 को खड़ा कर दिया। अभी बारी है भाई यूएसए की सुपर कार्स की। यहाँ पर हमारे पास बुगाटी शेरोन हमने ले ली है, और यार ये गाड़ी बहुत तेज़ है। इस गाड़ी से तो भाई आप इस गाड़ी को स्पीड में बीट नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखो यार, मतलब मुझे तो लग रहा है कि उड़ के ही नीचे पहुँचेगी, क्योंकि इसका भाई स्पॉइलर देख लो आप लोग। और देखो यार टक्कर हमने बहुत ही बुरी ले ली है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, अपनी गाड़ी यहाँ पर बेकार हो सकती है, क्यों? क्योंकि यार गाड़ी में इंजन है, सही से लैंडिंग करनी है। ज़्यादा बुरी लैंडिंग करेंगे तो टायर टेढ़े हो सकते हैं, गाड़ी फट भी सकती है। लाइक ठीक है ना, इतनी तेज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको फाड़ देना। यहाँ पर बुगाटी शेरोन दो बार भाई सिर्फ मतलब उधर से दो जंप लगे और दो जंप से नीचे पहुंच चुके। यहाँ पर इसको खड़ा कर देंगे ताकि हम लोग बाकी गाड़ियाँ भी यूएसए की यहाँ पर खड़ी कर सकें। बेसिकली ये सुपर कार है भाई, यूएसए में तो सुपर कार आम है। तो यहाँ पर है इंडिया की बारी। इंडिया की तरफ से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, इसको नीचे लेकर जाएंगे फुल स्पीड में। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हम लोग लेकर जा रहे हैं नीचे, और देखो हाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और हमारी जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है उसकी ग्रिप यहाँ पर लूज़ हो चुकी है, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट कि ग्रिप हमारी सही से काम करे। बट यहाँ पर देखो हम लोग नीचे भी गिर सकते हैं, गाड़ी को सही से कंट्रोल करेंगे देन वी ड्राइव, ओके? क्योंकि ज़्यादा हम लोग स्पीड में चलाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, और हमको गाड़ी डिस्क्वालीफाई नहीं करनी पानी में गिरा कर।
यहाँ पर हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो नीचे पहुँच चुकी है। अब इसको बाकी जो इंडियन गाड़ी यहाँ पर एक और खड़ी है सामने उसके साथ खड़ा कर देंगे। नहीं यहाँ नहीं बल्कि ये सामने यहाँ पर महिंद्रा थार के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को यहाँ पर खड़ा कर दिया। ओके चलिए वापस चलते हैं अभी बारी पाकिस्तानी होंडा सिविक की। इसको फुल स्पीड में नीचे लेकर जाते हैं। होंडा सिविक फ्रॉम पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में भाई सस्ती गाड़ी नहीं है, ये वन ऑफ द महंगी गाड़ियों में भी आती है। 1 करोड़ से भी ऊपर की अभी इसकी प्राइस है, तो बिल्कुल भी इसको मजाक मत लेना, ठीक है। होंडा सिविक फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर नाउ ड्राइविंग ऑन दिस रैम्प, बट दिस रैम्प इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट सम हाउ पीपल, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लाइक दिस रैम्प, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस रैम्प इन दिस वीडियो। यहाँ पर होंडा सिविक पहुँच चुकी है भाई बीच पे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आउट हो गए थे ट्रैक से, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं, अदरवाइज हम डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। यहाँ पर इसको खड़ा करूँगा मैं पाकिस्तान की पहली गाड़ी के साथ टोयोटा करोला के साथ। यहाँ पर भी बारी है नेपाल की, और नेपाल की यहाँ पर मैंने ले ली है टोयोटा प्राडो, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, जो कि पुराना वेरियंट है, अभी नया तो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। और देखो यार क्या जंप लगा, लेकिन यहाँ पर जो नीचे टकराती है ना गाड़ी, तो स्पीड लॉस हो जाती है हमारी, दोबारा से इसको स्पीड में लाना पड़ता है। फ्रंट फ्लिप हमने कर दी है भाई टोयोटा प्राडो से, जो कि मुश्किल काम था, बट हो ही गया, हमने कर दिया। यहाँ से इसको लेके जाएंगे दोबारा से फिर फुल स्पीड में नीचे की तरफ। ओ नहीं, फ्रंट फ्लिप नहीं होगा भाई, अभी सिंपल इसको लैंड करूँगा मैं, यहाँ पर इसको मैं खड़ा कर दूँगा। अभी पहुँचे हम लोग गए हैं, यहाँ पर बांग्लादेश की गाड़ी वो सामने खड़ी है टोयोटा फॉर्चूनर के साथ, इसको खड़ा कर दिया टोयोटा प्राडो को। अभी यहाँ पर वापस हम आ चुके हैं, यहाँ पर बारी है अभी नेपाल की, नेपाल की तरफ से टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा हाइलक्स हम लोग लेकर जा रहे हैं नेपाल की तरफ से नीचे की तरफ। और देखो यार इसकी हमने फिर फ्रंट फ्लिप कर दिया है टोयोटा हाइलक्स से, देखो यार सक्सेसफुली फ्रंट फ्लिप। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, बैक फ्लिप भी हमने कर दी है, और एक और बैक फ्लिप। क्या है ना कि रैंप की हाइट बहुत है, तो वैसे भी जंप लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फ्रंट फ्लिप ही करके देख लेता हूँ, तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई है दोनों गाड़ियों की, जो पहले भी थी उसकी भी और इसकी भी। यहाँ पर इसको मैं खड़ा करूँगा नेपाल की होंडा i10 के साथ, क्योंकि हमने नेपाल की दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। अभी बारी है USA की, और USA की तरफ से है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। भाई ये गाड़ी मतलब आप लोग समझ सकते हो सुपर कार है पाकिस्तान इंडिया नेपाल में, तो इसका बहुत ही मुश्किल से आप इसको मंगवा पाओगे। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लाइक करोड़ों में पैसे हैं ना, तो भाई फिर ही आप इस गाड़ी को मंगवा सकते हो यहाँ पर। लेकिन USA में ऐसा नहीं है, USA में आपको उसकी बेस प्राइस ही पे करनी होगी, और इसके अलावा कोई भी टैक्स वैक्स नहीं है इतने खास तो इस पर। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर बीच पे, और यहाँ पर एक इशू हुआ कि गेम हमारी क्रैश होगी, बट एंड पे सभी कंट्री जो है यहाँ पर विन करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।